आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन है हमारे पास, इफ वन लाइज बिटवीन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3x²-3sin(αx)-2cos²α=0, द अल्फा लाइज इन द इंटरवल। ठीक है, आपको अल्फा के बारे में बताना है। तो यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं, वन जो है वो लाई कर रहा है कहाँ पर, ये जो आपके पास गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, तो इसके रूट्स हम अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पर, है ना, पी और क्यू अज्यूम कर लेते हैं कि आपके पास रूट्स कैसे हैं, पी क्यू इसके रूट्स हैं। ठीक है, तो आपके पास ये जो एफ एक्स है ना, ये जो एल एच एस है, ये मैं इसको अगर एफ एक्स लूँ तो ये एफ एक्स को मैं कैसा लिख पाऊंगा, अगर इसके रूट्स पी क्यू है तो इसका मतलब एक्स माइनस पी और एक्स माइनस क्यू ऐसा मैं लिख सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट 3 है, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, 3 लिखूंगा। ठीक है, तो ये जो है आपके पास इस टाइप से आप लिख सकते हैं एल एच एस पार्ट को इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। क्लियर। अब यहाँ पर हम बात करें, आपके पास वन क्या कर रहा है, वन पी और क्यू के बीच में है, तो ये आपने बताया सिंस वन जो है वो पी और क्यू के बीच में लाई कर रहा है, तो यहाँ पर अगर आप एफ वन पुट करते हो तो ये आएगा 3 1-p और 3 नहीं आएगा, 1 आएगा ना, 1-q। आपने x की जगह क्या पुट किया, 1 पुट किया, तो 1-q। तो सिंपल सी बात है, देखो 1 एक तो q से लेस है, तो 1 अगर q से लेस है तो 1-q तो नेगेटिव होगा, और 1 जो है वो p से ग्रेटर है तो ये पॉजिटिव होगा, तो 1-p पॉजिटिव है, 1-q कैसा है, नेगेटिव है, तो इसका मतलब एफ वन कैसा आने वाला है, एफ वन जो है आपके पास नेगेटिव आने वाला है। क्लियर। तो यहाँ पर आपके पास इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये जो आपके पास चल रहा है ना, ये आपके पास कैसा है, नेगेटिव चल रहा है। क्लियर। तो यहाँ पर जब आप इसको पुट करेंगे तो 3 तो आप हटा सकते हैं, है ना, 3 तो वैसे भी पॉजिटिव है आपके पास, तो आपके पास रहेगा यहाँ पर 1-p 1-q < 0। ठीक है, इसको थोड़ा और सोल्व करते हैं तो ये आपके पास बनेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1-p + q और +pq < 0। अब देखो पी क्यू क्या है, पी क्यू आपके पास रूट्स थे, तो पी क्यू अगर रूट्स थे तो हमारे पास रिजल्ट होता सम ऑफ रूट्स -b/a, तो -b होता है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें एक्स का कोफिशियंट, तो वो चल रहा -3sin(α)/a, ए होता है आपके पास एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट 3, तो सम ऑफ रूट्स होता -b/a, और आपके पास मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स होता है c/a। सी क्या है यहाँ पर, जो कॉन्स्टेंट है जिसमें एक्स नहीं है, मतलब -2cos²α और अपॉन ए भी बताया मैंने आपको 3 रहेगा। ठीक है, ए जो है एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट < 0, ये आपके पास आ रहा है यहाँ पर, तो इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, तो ये बन रहा हमारे पास 1 माइनस, है ना, 3 माइनस है तो माइनस बनेगा 1-sin(α - 2/3cos²α। ठीक है, कोस स्क्वायर अल्फा ही चल रहा, देख रहे हैं आप यहाँ पर, और यहाँ साइन अल्फा चल रहा था, < 0। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको पहले तो 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और कोस स्क्वायर को भी साइन में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो 3-3sin(α - 2cos²α बनेगा 1-sin²α। क्लियर, < 0। थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं इस इक्वेशन को, तो ये इक्वेशन आपके पास क्या बन रही, देखें, प्लस का 2sin²α, ठीक है, माइनस का 3sin(α और +3 और -2, +1 बन रहा आपके पास < 0। तो आपके पास ये जो एल एच एस पार्ट आ रहा है ना, इसके आप क्या कर पाएंगे, फैक्टर्स कर पाएंगे, तो इसके फैक्टर्स कैसे होंगे हमारे पास, 2sin²α - 3sin(α को मैं ब्रेक कर लेता हूँ, -2sin(α - 3sin(α - -sin(α, इसमें हम ब्रेक कर लेते हैं, +1 < 0। ठीक है, यहाँ पे अगर देखो आपके पास जो फर्स्ट टू टर्म्स है ना, उसमें तो कॉमन आ रहा है कितना, 2sin(α, ठीक है, और बाकी की जो टर्म्स है उनमें भी कॉमन आएगा हमारे पास, है ना, सेम चीज, तो आपके पास यहाँ पर 2sin(α कॉमन आया, तो यहाँ पे आपके पास sin(α - 1 रहा, और यहाँ पे तो sin(α - 1 - 1 कॉमन लेते ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाता आपके पास यहाँ पे फैक्टर जो है इसके, एक तो आ रहा sin(α - 1, है ना, sin(α - 1, ठीक है, और एक बन रहा आपके पास 2sin(α - 1 > 0। ये नंबर आपके पास कैसा हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। तो देखो इनमें भी अगर हम बात करें, है ना, एक तो sin(α - 1 आ रहा है और एक 2sin(α - 1 आ रहा है, तो आप अगर यहाँ देखें कि किस इंटरवल में सेटिस्फाई हो रहा है,
तो उसके लिए आप ये पीछे वाला जो फैक्टर है ना, इसमें से भी क्या करो, टू कॉमन ले लो। चलो पीछे वाले में से टू कॉमन लूंगा तो क्या आएगा, साइन अल्फा माइनस वन बाई टू, और ये आगे वाला क्या आ रहा है, साइन अल्फा माइनस वन लेस देन टू। ठीक है, तो यहाँ से हम कैसे पता करते हैं ना, ये आपने काफ़ी बार सॉल्व किया होगा, तो इसको हम पता करते हैं नंबर लाइन से। सिंपल सी बात है, नंबर लाइन पे आप क्या करें, इनके रूट्स देखें, है ना। पहले वाले को जीरो पुट करूंगा तो साइन अल्फा की वैल्यू वन बाई टू आएगी, तो ये आपके पास वन बाई टू, और यहाँ पर ये वन ले लिया मैंने। ठीक है, तो ये कौन से इंटरवल में सेटिस्फाई हो रहे हैं आपके पास, देखो ये जो वन बाई टू से लेस वैल्यू है, कोई भी वैल्यू लेके देखो, मान लो आपने जीरो लिया तो जीरो पे कैसा आएगा आगे वाला फैक्टर, नेगेटिव। जीरो माइनस वन बाई टू करूंगा नेगेटिव, पीछे वाला कैसा आएगा, जीरो माइनस वन करेंगे ये भी आपके पास नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा ना, तो इसको कहाँ सेटिस्फाई करेगा, नहीं करेगा, तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। बीच वाला इंटरवल जो है वो सेटिस्फाई करेगा, बीच वाले इंटरवल में एक पॉजिटिव रहेगा एक नेगेटिव रहेगा, और वन से ग्रेटर के लिए भी ये जो इनइक्वालिटी आपके पास आई है सेटिस्फाई नहीं होगी। इसका मतलब सिंपल सी बात है, साइन अल्फा की जो वैल्यू आपके पास है वो कैसी होनी चाहिए, है ना। इस इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंग बात करें तो साइन अल्फा की वैल्यू वन बाई टू से वन के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, अब वन बाई टू से वन के बीच में मतलब वैल्यूज तो कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, वन बाई टू किस पे मिलता है, वन बाई टू मिलता है थर्टी डिग्री पे, पाई बाई सिक्स पे। ठीक है, और वन मिलता है किस पे, पाई बाई टू पे। तो अल्फा जो है आपके पास वो कैसा होना चाहिए, पाई बाई सिक्स से पाई बाई टू के बीच में। एक तो देखो मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पर इंटरवल बना ही देता हूँ, ऐसे ही आपके पास अल्फा जो है, अगर बात करें यहाँ पे देखो पॉजिटिव वैल्यूज चल रही है, तो साइन जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव देता है, तो अल्फा बिलोंग करना चाहिए आपके पास एक तो पाई बाई सिक्स से, पाई बाई सिक्स पे वन बाई टू आता है और वन आता है कि इस पे पाई बाई टू पे, यूनियन। अब सेकंड क्वाड्रेंट में, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो गई, सेकंड क्वाड्रेंट में भी साइन पॉजिटिव होता है, लेकिन आपको चाहिए क्या, वन बाई टू से वन चाहिए ना, तो वन बाई टू से वन चाहिए, तो वन आपको कहाँ पर मिलेगा, वन मिल जाएगा हमको कहाँ पे, वन वैल्यू मिलेगी हमको पाई बाई टू पे। ठीक है, और वन बाई टू कहाँ मिलता है, वन फिफ्टी पे मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या करना होगा, पाई बाई टू को हटाना होगा। पाई बाई टू को क्यों हटाना होगा, देखो यहाँ पर इक्वल टू वन नहीं है, इस जगह इक्वल टू वन होता तो मैं पाई बाई टू भी ले लेता, लेकिन मैं वन वन तो आ नहीं सकता साइन अल्फा की वैल्यू, तो पाई बाई टू को हटाना होगा। अब वापस आपने पाई बाई टू से स्टार्ट कर दिया सेकंड क्वाड्रेंट, है ना, ये आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट स्टार्ट होता है जीरो से, ये पाई बाई टू तक, और फिर सेकंड पाई बाई टू से पाई तक। तो एक तो आपके पास 30 डिग्री से ले लिया आपने 90 डिग्री तक, ये पॉजिटिव वैल्यूज आ गई वन बाई टू से वन के बीच में। अब जैसे आप पाई बाई टू से फिर आगे जाने लगेंगे तो वैल्यूज तो कैसी आएगी आपके पास, प्लस वन से कम आने लगेगी, कम होने लगेगी, कहाँ तक, आपको वन बाई टू तक लेना है। तो 1 बाई टू किस में मिलता है, सेकंड क्वाड्रेंट में 150 डिग्री पे मिलता है। ठीक है, और 150 डिग्री की अगर हम बात करें तो आप इसको किस तरीके से नोट कर सकते हैं, पाई के रेस्पेक्ट में बात करें तो देखो सिंपल आप ऑप्शन से चेक कर लो, इस टाइप का ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो आपके पास ये एक ही ऑप्शन नजर आ रहा है लास्ट वाला, और यहाँ पर अगर आप पाई को 180 डिग्री पुट करेंगे तो ये आपके पास सोल्व होने के बाद 30 इंटू 5 150 डिग्री बन रहा है। ठीक है, और 150 डिग्री पर कैसी वैल्यू आती है, 1 बाई टू आती है, तो यहाँ से भी आप डायरेक्ट रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो पाई बाई टू से 5 पाई बाई सिक्स 150 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर आपको वैल्यूज कैसी मिलेगी, 1 बाई टू से 1 के बीच की वैल्यूज मिलेगी, क्लियर। और जैसे आप 150 डिग्री से आगे जाते हैं, अगर आप 150 डिग्री से आगे की तरफ जाएंगे तो उस केस में फिर आपके पास वैल्यूज वापस क्या होने लग जाएगी, 1 बाई टू से डिक्रीज होने लग जाएगी, क्लियर। तो ये आपके पास अल्फा का इंटरवल है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट ऑप्शन। क्लास 6 से 12 से लेके नीट आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।